अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीयों को गर्व करने के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला। देश के प्रसिद्ध और प्राचीन धर्म ग्रंथ की श्री रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियां और पंचतंत्र दंत कथाओं की जो 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि एशिया प्रशांत के उन 20 वस्तुओं में शामिल है जिन्हें 2024 संस्करण के लिए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। आप इस रिपोर्ट का लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाजत। आगे दिखेंगे नया सवेरा। नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस और पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध पंचतंत्र के साथ सहृदय लोक लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। यह निर्णय एशिया और प्रशांत क्षेत्र मामलों की विश्व स्मृति समिति MOWCAP की 10वीं आम बैठक में लिया गया जो 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी उलनबटोर में हुई। तुलसीदास की रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों सहृदय लोक लोकन की पांडुलिपि भारतीय काव्य शास्त्र का एक मौलिक पाठ और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को इस सूची में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस और पंचतंत्र के साथ सहृदय लोक लोकन वो महान रचनाएं हैं जो न सिर्फ भारतीय समाज में बल्कि पूरे विश्व में नैतिकता संस्कृति भाईचारे मानवीय मूल्यों के साथ साथ पूरे समाज को आदर्श और प्रेम के बंधन से जोड़ने में मदद करता है। अब इस बात को यूनेस्को ने भी स्वीकार कर लिया है। ये साहित्यिक जगत में और निस्संदेह जो हमारा अकादमिक जगत है विशेषकर जो लोग हमारी प्राचीन परंपराओं के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उनके लिए ये बहुत एक तरह की प्रेरणादायी चीज़ है क्योंकि हम अपनी ग्रंथ परंपरा का जब अध्ययन करते हैं तो उसकी प्राचीनता कितना पुरातन है और उसके साथ ही उसकी क्या वैधानिकता है ऑथेंटिसिटी है ये जो है वो रीजनल रजिस्टर के नॉमिनेशन से सिद्ध होता है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में आयोजित MOWCAP की बैठक में संयुक्त राष्ट्र से 38 प्रतिनिधि और 40 पर्यवेक्षकों ने शिरकत की। इस बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के डीन और कला निधि प्रभाग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने भारत की ओर से 3 प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया। इनमें सहृदय लोक लोचन की पांडुलिपि भारतीय काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण पाठ पंचतंत्र की पांडुलिपि और तुलसीदास के रामचरितमानस की चित्रित पांडुलिपि शामिल थी। भारत की जो हमारी विरासत है उसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। ये जानकारी अब इस रजिस्टर के द्वारा पूरे विश्व को मिलेगी कि रामचरितमानस जो कि हमारा एक महान कृति है तुलसीदास की वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनकी जो जीवनी है उनसे जो प्रेरणा लेने के लिए जो हम सब अग्रसर रहते हैं पूरा विश्व उनसे मोटिवेट होगा। इन पांडुलिपियों का यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिलना भारत के लिए गौरव का क्षण है जो देश की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।